तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 2025-26 साल के लिए जो हम GPDP तैयार करने वाले हैं, उस GPDP तैयार करने से पहले हमें संकल्प रजिस्ट्रेशन यानी कि एक थीम रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। और इस पूरा प्रोसेस में काफ़ी सारे बदलाव आया है। पहले हम ये वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर करते थे, अभी हमें इस साल के लिए हमें पंचायत निर्णय पोर्टल या फिर पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा हमें ये संकल्प रजिस्ट्रेशन का काम करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे जाके meetingonline.gov.in इस पोर्टल को ओपन करना है। यहाँ पे देखिए, आपके सामने पंचायत निर्णय नाम का ये पोर्टल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते ही देखिए इस होम पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन ऑप्शन में यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना ई ग्राम स्वराज पोर्टल का एडमिन लॉगिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड देके आपको सिंपली इस पोर्टल पे लॉगिन करना है। ध्यान दीजिए, ई ग्राम स्वराज पोर्टल का एडमिन लॉगिन का यूज़र आईडी पासवर्ड आपको यूज़ करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज में जो भी आप दिखाई देंगे तो ये आपको पंचायत निर्णय ऐप में भी सेम आपको दिखेगा। तो सेम तरीके से आप पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा भी आप संकल्प को सेट कर सकेंगे। तो अभी हमें नंबर जो 4 वाला सेक्शन है, सिलेक्ट SDG थीम, यहाँ पे आपको देखिए सिलेक्ट एंड रजिस्टर प्रायोरिटी थीम्स एंड रजिस्टर संकल्प, तो इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले फिनेंशियल ईयर देखने को मिलेगा, ये 24-25 ही रहेगा। उसके बाद पंचायत मीटिंग डेट यानी कि पंचायत का विशेष ग्राम सभा कौन से डेट में हुआ था, ये डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए जो डेट है, ये विशेष ग्राम सभा का जो डेट है, मतलब GPDP को लेके तैयारी शुरू करने के लिए जो विशेष ग्राम सभा आयोजित किया गया था उस मीटिंग का डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए पंचायत का स्थापना दिवस अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं पता है तो नो सिलेक्ट कीजिए। फिर पंचायत में जो मीटिंग हुआ था उस ग्राम सभा में सारे डिटेल्स यानी SDG गोल्स का डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया था या नहीं, यहाँ पे यस सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए SDG थीम, तो ये मेन चीज़ है। तो SDG थीम पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप जिस थीम पे संकल्प लेना चाहते हैं उस थीम को ही सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ एक। फिर उसके बाद देखिए संकल्प टेकन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। उसके बाद SDG कवर्ड यानी कि जो थीम आपने संकल्प लिया है उस थीम के तहत आपका कौन सा SDG गोल अचीव होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा, मल्टीपल हो सकता है। उसके बाद देखिए एंटर प्रायोरिटी थीम यानी कि जो थीम आपने सिलेक्ट किया है उसी थीम का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और थीम का नाम लिखने के बाद देखिए नीचे देखिए वेदर पंचायत एज ए वेबसाइट, तो पंचायत का अगर खुद का वेबसाइट है तो ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिए। फिर देखिए नीचे ऑप्शन है पंचायत भवन हैज़ इंटरनेट सर्विस और नॉट, तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस यस ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इंटरनेट प्रोवाइडर, यहाँ पे अदर सिलेक्ट कीजिए या फिर जो आपको सही लगे, जो ऑप्शन आपको सही लगे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप अदर सिलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट कौन सा कंपनी का है वो भी सिलेक्ट करना होगा। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए रजिस्टर का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए सारे डिटेल्स जो आपने दिया है वो एकदम सही है या नहीं, क्योंकि एक बार संकल्प रजिस्टर हो जाने के बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे सक्सेस दिखाया है, AKAM सेलिब्रेशन सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए ये पेज आ चुका है, पिछले 2 साल सहित इस साल का भी क्या क्या डिटेल्स था ये आप यहाँ से देख पाएंगे। तो अगला जो स्टेप हमारा है वो है
हमने जो डेटा रजिस्टर्ड किया है उस डेटा को देखना, मतलब यही पेज आपको दिखाई देगा, लेकिन होम पेज में से कैसे आप देख पाएंगे? तो यहाँ पे हम होम पेज में आ जाएंगे, फिर से आपको 4 नंबर सेक्शन पे आना है। यहाँ पे देखिए व्यू एसडीजी थीम सिलेक्टेड बाय जीपीस, तो इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वापस से वो पेज आ जाएगा। यहाँ पे 2024-25 के सेक्शन में नीचे देखिए नीले रंग का व्यू ग्राम थीम रेजोल्यूशन, ये आपको देखेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा डिटेल्स देख पाएंगे। तो अभी हम जो रेजोल्यूशन है उसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप भी है, तो इसको ध्यान से देखना। इसके लिए हम वापस से होम पेज में जाएंगे, यहाँ पे फिर फोर्थ सेक्शन पे देखिए जनरेट रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प का रेजोल्यूशन कॉपी। तो यहाँ से सबसे पहले आपको फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, फिर देखिए जनरेट जीपी प्रायोरिटी थीम संकल्प, इस पर क्लिक करते ही देखिए रेजोल्यूशन ऑफ संकल्प का एकदम डिटेल रेजोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा थीम आपने चूज़ किया है यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए नीचे सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन पंचायत का एलजीडी कोड जीपी का नाम डेट यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो सिंपली डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका रेजोल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको प्रिंट करने के बाद आपका प्रधान के द्वारा सरपंच के द्वारा साइन करना होगा, स्टैम्प करना होगा, और उसको जेपीजी फाइल में आपको सेव करके रखना होगा अपने कंप्यूटर पे। अगला स्टेप है अपलोड रेजोल्यूशन कॉपी, इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। ध्यान दीजिए कि जो लैंग्वेज में आपने डाउनलोड किया था रेजोल्यूशन वही लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फिर देखिए अपलोड इमेज, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन का जो जेपीजी फॉर्मेट आपने रेडी किया है तैयार किया है उसको अपलोड करना होगा। नीचे देखिए आई हैव डाउनलोडेड ग्राम सभा रेजोल्यूशन, इस बॉक्स पे टिक मार्क करना होगा। फिर जो रेजोल्यूशन का कॉपी आपने डाउनलोड करके प्रधान या फिर सरपंच द्वारा आपने साइन किया और जेपीजी फॉर्मेट में रेडी किया वही फाइल यहाँ पे देखिए चूज फाइल ऑप्शन में जाके सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद अपलोड रेजोल्यूशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए जीएस रेजोल्यूशन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका संकल्प का रजिस्ट्रेशन का काम अभी एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपने संकल्प को रजिस्टर किया है, रेजोल्यूशन को डाउनलोड किया है, और साथ ही आपने रेजोल्यूशन को अपलोड भी किया है। क्या रेजोल्यूशन आपने अपलोड किया है उसको देखने के लिए देखिए व्यू साइन कॉपी, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे देखिए जो आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप 2025-26 साल के लिए जो जीपीडीपी का प्लान तैयार करेंगे उसका जो संकल्प थीम आप लेना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन इस नए तरीके से आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, और ये वेबसाइट के साथ साथ पंचायत निर्णय ऐप द्वारा भी आप सेम तरीके से कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं मेरे